सो ही गाइज, वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। तो गाइज, जो एम्स की तरफ से नॉर्सेट का जो है नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेन नॉर्सेट 2021 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली, पे बैंड टू ग्रेड पे 4600 का। और ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी हॉनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग का होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में। अगर ये भी नहीं, अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ में गाइज यहाँ पे मिनिमम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का। जीएनएम वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का। ठीक है, एज की बात करें तो एज यहाँ पे 18 से 30 साल रखी हुई है गाइज। जो एज है यहाँ पे कितनी रहने वाली है, 18 से 30 साल एज रहने वाली है गाइज यहाँ पे। और एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए 3000 एंड अदर कैटेगरी के लिए एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है गाइज। ठीक है, बाकी जो एज रिलेक्शन आप देख सकते हैं कितने कितने साल का एज रिलेक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं गाइज। और इसके अलावा बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे कौन, तो ये टोटल जो है 18 एम्स यहाँ पे जो है, टोटल 18 एम्स हैं जिसमें जो है नर्सिंग ऑफिसर्स जिसके इसके सारे जितने भी सारे एम्स में जो है इस एग्ज़ाम्स के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की जो है जो पोस्ट जो है भरी जाएगी गाइज। तो सारे 18 एम्स यहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे उनका जो है, ठीक है, उनमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स है तो देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल तो देख सकते हैं आप, तो इसमें पे लेवल आपका लेवल 7 की सैलरी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है, ठीक है, 44900 से 1,42,400। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम्स रहने वाली जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए जीएनएम है, जीएनएम को यहाँ पे केवल 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड, जैसा कि हमने अभी एम्स का देखा था। दूसरा जो और जो एम्स में जो भरी जा रही है उसमें हमने जो एक्सपीरियंस देखा था, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो है इसके थ्रू जो सीट्स भरी जाएगी नर्सिंग ऑफिसर्स की, यहाँ पे देखिए जीएनएम के लिए यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का। एज लिमिट, ओके, एज में भी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है गाइज। वहाँ पे 18 से 30 थी, यहाँ पे 18 से 35 जो है एज रखी हुई है, इसलिए इन्होंने जो है अलग से इसका नोटिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल पोस्ट जो है कितनी कितनी है। जैसे आप देख देते हैं आरएमएल हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं टोटल 31 पोस्ट है सफदरगंज में, ठीक है, सफदरगंज में जो है 529 है, कलावती चिल्ड्रंस में जो है 29 एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 89 जो है यहाँ पे टोटल जो है पोस्ट है। इतनी पोस्टों के लिए जो है यहाँ पे जो है नॉर्सेट के थ्रू ये सारी पोस्टें नॉर्सेट के थ्रू भरने वाली है। फीस की बात करें तो फीस सेम रहने वाली है, ठीक है, फीस की बात करें तो फीस सेम रहने वाली, डेट भी सेम रहने वाली है, ठीक है। एज में यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो यहाँ पे मिलेगी, जो पैटर्न्स रहने वाला है एग्जाम्स का उसका भी मैं बताऊंगा आपको, इसका भी बता देता हूँ। जो पैटर्न्स है एग्जाम्स का, ड्यूरेशंस ऑफ, तो 3 घंटे का यहाँ पे जो है पेपर्स है, 200 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप के, मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है वाइज, ठीक है, 180 एमसीक्यू रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज से होंगे और एप्टीट्यूड से होंगे, यानी 200 क्वेश्चंस आएंगे, 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से रहने वाले हैं। 1/3 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है गलत आंसर्स पे, ठीक है,
क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 50% है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए इन्होंने 40% रखा, ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% एंड एससी एसटी के लिए 40% यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो गाइज, ये नोटिफिकेशन था एम्स नॉर्सेट का, इसका जो लास्ट डेट, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 16 अक्टूबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 30 अक्टूबर से, ठीक है। करेक्शंस की जो डेट रहेगी, ऑनलाइन करेक्शंस कर सकते हैं आप 31 से 1 नवंबर के बीच में, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को करेक्शंस कर सकते हैं। और फाइनल स्टेटस जो है एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन का वो आपका 12 नवंबर है और 14 तारीख से इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे और 20 नवंबर को इसका एग्जाम्स है, ठीक है। 20 नवंबर को इसका एग्जाम्स है गाइस, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट डेट थी, गाइज। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न्स है एम्स का भी सेम रहेगा, 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम पैटर्न्स है गाइस, ठीक है। 50% जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये सारा था आपका। अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है गाइस, सिंपल फंडा इसका, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, आप इसको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है। और आपने सर्च, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं, आपको लॉगिन करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस, यानी जो इमेज आप अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ क्या रहने वाला है, तो साइज ऑफ इमेज शुड बी बिटवीन 50 से 100 KB के बीच में रखना है, ठीक है। 100 KB से ज़्यादा उसको नहीं रखना है गाइज। ओके, यहाँ पे फोटोज पूरा गाइडलाइन दे रखी है स्कैनिंग फोटोग्राफ इमेज के लिए, ठीक है। पूरा यहाँ पे कैसे से और सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे जो है पूरा दे रखा है, ठीक है। और लेफ्ट थंब इंप्रेशंस के लिए भी यहाँ पे पूरा साइज़ दे रखा है कि कितने साइज़ तक आपको यहाँ पे रखना है उसका हाइट वगैरह, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस भी दे रखा है, ठीक है गाइज, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे रखा है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना के ले आऊँगा, आपको अप्लाई कैसे करना है पूरा यहाँ पे मैं आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई पूरा उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।